हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स किचन में आपका स्वागत है। आज कॉमर्स किचन में बनने वाला है एक स्वीट डिश। जी हाँ, बहुत ही कॉमन है ये स्वीट डिश, हर मिठाई की दुकान में आपको ये ज़रूर दिख जाएगा। ये है बूंदी का लड्डू, जिसको बनाना बहुत ही बहुत आसान है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि मिठाई बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बताऊँगी कि बूंदी के लड्डू आप कैसे टेस्टी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि आप घी में घर में शुद्ध तरीके से आप इसे बना रहे हैं। बाज़ार में हो सकता है इसमें आप कुछ मिलावट भी हो, बट घर की लड्डू बिल्कुल शुद्ध होंगे और बहुत ही टेस्टी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम बूंदी के लड्डू कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चीनी। ये 1 टेबलस्पून हमने मगज़ लिया है, जो ये वाटरमेलन सीड होते हैं ना, वो है ये। और ये लिया है हमने फूड कलर, ऑरेंज कलर का। और फ्राई करने के लिए घी। तो चलिए हम देखते हैं कि बूंदी के लड्डू हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बेसन को ले लिया है, इसमें हम 1 कटोरी पानी लिया है मैंने। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल हमें नहीं तैयार करना है। अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना ही थिक होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखिए घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। ये देखिए, अब इससे हम अपनी बूंदी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये घोल बनाने में हमें इस कटोरी से आधा कटोरी पानी लगा है, यानी जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था 1 कटोरी, उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी पानी लिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पे। अब इसमें हम घी डालेंगे। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैं इसमें घी यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास ये एक स्ट्रेनर है स्टील की, तो मैं बूंदी इसी से बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये तो सबके घर में होता है फ्राई करने के लिए, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बूंदी बनाने की तैयारी करते हैं। इस तरीके से स्ट्रेनर रख लें और दूसरे हाथ से आप इसे इस तरह से बेसन गिराते जाएं। इन्हें मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अब इन्हें हम निकाल लेंगे।
इसी प्रोसेस से हम और भी बूंदी को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने सारे बूंदी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख रहे होंगे इसमें कुछ बड़े साइज के भी हैं जो बूंदी बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, और जो बूंदी भी है वो जो मार्केट से हम लोग बूंदी के लड्डू लाते हैं उस साइज़ के नहीं हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम 4 से 5 सेकेंड के लिए ग्राइंड करेंगे। ये हमने एक जार ले लिया है, इसमें हम इसे डाल देंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना है, ये ध्यान रखें, बस 4 से 5 सेकंड के लिए चलाकर इसको मिक्सर को हमें बंद कर देना है। बस हमने 4 से 5 बार ऐसे मिक्सर को ऑन ऑफ किया है और ये हमारा बूंदी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बूंदी तैयार हुई है, बिल्कुल बारीक वाली। फ्रेंड्स हमारी बूंदी तो रेडी हो गई है, तो चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। सेम कढ़ाई ले ली है हमने। ये चाशनी के लिए मैंने आधी कटोरी पानी ली है। और इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी। फ्रेंड्स इसमें हम मिक्स कर रहे हैं ये ऑरेंज कलर, फूड कलर, बिल्कुल मतलब समझ लीजिए 1/4 स्पून का हाफ हमने लिया है, ये इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमें शुगर को अच्छे से डिसॉल्व करना है, इसकी कोई तार की चाशनी हमें नहीं बनानी। फ्रेंड्स चाशनी को आप चेक कीजिए, बस इन्हें ये देखिए ये चिपचिपा हो चुका है। अब ये सही वक्त है बूंदी डालने का। फ्रेंड्स धीरे धीरे करके बूंदी हम डाल देंगे इसमें। अब ये मगज के बीज भी हम डाल देंगे इसमें, ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इन्हें 1 मिनट तक हमें इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे।
उसके बाद इसके हम लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स ये बूंदी थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से ठंडी नहीं है, ये हल्का गर्म है। अब हाथों में मैं हल्का सा घी लगा रही हूँ ताकि लड्डू अच्छे से बन जाए। इसे थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लड्डू बनी है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स हो सकता है कि जब आप पहली बार लड्डू बना रहे हो तो आपका चाशनी थोड़ा ज़्यादा पक जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा क्या होता है ना, बूंदी थोड़ी थोड़ी कड़ी हो जाती है, फिर उसको बांधना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करें, आप थोड़ा सा दूध ले, 2-3 टेबल स्पून, उसको थोड़ा गर्म कर लें और सारे बूंदी को वापस उसमें डाल के 30 सेकेंड तक गर्म करें। इससे ये बूंदी फिर से सॉफ्ट हो जाएगी और आप आराम से उसको बांध सकते हैं। तरीके से सारे लड्डू बना लिया। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। देखा कितना आसान है बूंदी का लड्डू घर में बनाना। अब मार्केट से लड्डू लाने के बजाय आप घर में ही से बनाएं। अगर आपको मेरी बनाई हुई बूंदी की लड्डू अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।